नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का चल रहा है कंप्यूटर फंडामेंटल, और कंप्यूटर फंडामेंटल का अध्याय में आज हम लोग आगे कैसे सीखेंगे। तो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका था कि कंप्यूटर क्या है, बहुत सारे मैं आपको बताया था। वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा यूपीएस, यानी कि यूपीएस का पूरा नाम हो गया यूनिट पावर सप्लाई। तो यूपीएस क्या कह रहा है इसको पढ़ते समझते हैं। क्या कह रहा है, कहने का मतलब है दोस्तों, क्या कह रहा है कि यूपीएस इज ए पावर कंट्रोल इन कंप्यूटर वोल्टेज जस्ट लाइक ए स्टेबलाइजर। यूपीएस जो है ये आपको स्टेबलाइजर की तरह ही होता है। जैसे हम लोग का सिस्टम को, यानी कंप्यूटर को, पीसी को 220 वोल्टेज चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेबलाइजर लगा लेते हैं ऑटोमेटिक, जो अगर आपको कम है वोल्टेज तो 220 कर देता है, और ज़्यादा होता है तो फिर कम करके 220 कर देता है। यानी कि 220 वोल्ट ही चाहिए, और चाहिए यूपीएस, ये आपको ऑस्ट्रेलाइजर का काम है। अगर आपको यूपीएस अगर चाहिए तो यूपीएस में ऑस्ट्रेलिया में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। यूपीएस में क्या होती है कि जैसे वोल्टेज कम होती है तो वो आपको 220 कर दिया, ज़्यादा हो गया तो 220 कर दिया। लेकिन जैसे आपको पावर कट होती है, यानी कि लाइन जब कटती है, तो उसमें एक बैटरी होती है, जिसको बैटरी से आपको सिस्टम को बंद होने नहीं देती है, और वो आपको जैसी लाइन कटती है तो वो यूपीएस से एक सायरन की आवाज़ आती है, अलर्ट करता है कि आपका लाइन कट गया है, आप अपने डाटा को सेव करके बंद कर लीजिए। अगर बहुत बड़े बड़े यूपीएस आपके पास है, जो बहुत बड़े बैटरी लगती है, अगर वो आपके पास है तो वो आपको बहुत, मतलब बैटरी के अनुसार वो आपको बैकअप देती है, 3 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा। लेकिन छोटा मोटा जो ऐसा यूपीएस होती है, ये मात्र 5 से 10 मिनट ही दे पाती है। और स्टेबलाइजर में क्या होता है, सिर्फ उसमें बैटरी नहीं लगा रहता है, या आपको वोल्टेज खाली कंट्रोल करेगा और बाकी लाइन जैसे कटेगा तो आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। लेकिन कभी भी हम लोग स्टेबलाइजर से नहीं चलाएंगे, स्टेबलाइजर से बिल्कुल यूपीएस में लाइन दे के यूपीएस से ही आपको सिस्टम को भी चलाएंगे दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे। आगे मैं चलता हूँ, आगे क्या है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के इतिहास। अब देखिए, इस डिवाइस, इस मशीन का नाम है अबाकस, इस मशीन का नाम है अबाकस। अब यहाँ पर आइए, अबाकस 3000 BC, यानी कि 3000 वर्ष पहले, यानी कि 3000 ईसा पूर्व, यानी कि पहले। इसके में कह क्या रहा है दोस्तों, कि इन 3000 BC द चाइनीज डेवलप ए डिवाइस ऑफ वुडन फ्रेम एंड बिट्स विच वॉज प्रोबली द फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस। दिस वॉज यूज फॉर सिस्टमेटिक कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेशन। इसका मतलब होता है क्या दोस्तों, कि इन 3000 BC, यानी कि 3000 वर्ष पहले, ठीक ना, एक चाइना के रहने वाला आदमी जिसका नाम अबाकस था, वे इस मशीन को डेवलप किया, यानी कि मशीन को, ऐसा मशीन को बनाया, और वो लोहा में नहीं, वुडेन मतलब होता है लकड़ी के फ्रेम में, ऐसा मशीन को बनाया। इस मशीन को क्या काम था, एक कैलकुलेशन करता था, गुना भाग जोड़ घटाव करने के लिए ये मशीन को बनाया। ये मशीन ऐसा हुआ करता था जिससे आप जोड़ घटाव कर सकते हैं, लेकिन आप कल परसों इसको देख नहीं सकते कि क्या मैं अभी जोड़ा। तो कहने का मतलब है, ये किस तरह से काम करता था, मैं एग्जांपल में आपको मैं बताता हूँ। इसका काम आज भी होते हैं, जैसे कि आप कहीं भी आप देखे होंगे कि एक ट्रैक्टर गिट्टी आपको लोड होते हुए, तो या आपको कहेंगे कि आप एक ट्रैक्टर 50 टीना गिट्टी हमको लोड कर दीजिए एक ट्रैक्टर में, तो क्या करता है, एक टीना उसमें ट्रैक्टर के डाला में डालता है, एक गिट्टी उठा के उसको रख देता है, फिर एक टीना उसमें डालता है और एक गिट्टी उठा के उसको रख देता है, फिर एक टीना वो आपको ट्रैक्टर के डाले में डालता है और एक गिट्टी उठा के रख देता है, और जब जब उसको लगता है कि अब मेरा हो गया, तो क्या करता है, वो गिट्टी को, जो जो अलग गिट्टी को छाट के कब रखता है, उसको काउंट कर लेता है, उसको गिन लेता है। तो इस तरह से आज भी इसका उपयोग होता है, इसी प्रकार से इस मशीन को यही काम था, इसी तरह से गिनती करता था, तो आज भी इसका उपयोग होता है। एग्जाम्पल के तरह मैं आपको बताया, तो यानी कि चाइना देश के रहने वाला एक आदमी था, खुद चाइना का था, उसका नाम था अबाकस, और अपना ही नाम से इस मशीन को डेवलप किया, यानी कि बना दिया।
उसके बाद हम लोग आते हैं चार्ल्स बैबेज। तो चार्ल्स बैबेज क्या थे, एक ये भी एक आदमी थे, आबादी 1833 यानी कि 1833, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, अब देखिए क्या कह रहा है कि चार्ल्स बैबेज वाज ब्रिटिश मैथमेटिशियन, यानी कि चार्ल्स बैबेज जो थे वो ब्रिटिश के रहने वाले थे और मैथमेटिशियन को बहुत जानकार थे, यानी कि मैथमेटिशियन को बहुत जानते थे वो, ठीक है ना। उसको क्या कह रहे हैं कि इन 1833 डेवलप ए मैकेनिकल कंप्यूटर नोन एज एनाटिकल इंजन। कहने का मतलब है इन्होंने एक मशीन को डेवलप किया, ठीक ना। कौन सा मशीन को, वही अबाकस को डेवलप किया और उस मशीन को नाम इन्होंने रखा एनाटिकल इंजन, यानी कि उस मशीन को डेवलप किया और नाम रखा एनाटिकल इंजन, ठीक ना। उसके बाद क्या कह रहा है, दिस डिवाइस हैड द प्रोविजन फॉर द इनपुट ऑफ डाटा, ठीक ना। उस मशीन में जैसे पहले क्या होता था, इनपुट नहीं होता था अबाकस में, उस मशीन को बनाया और इनपुट का इन्होंने डाटा को इनपुट करने का साधन दिया। इनपुट कैसे होता है, यानी कि बाहर का सामान अंदर ले जा सकते हैं, ठीक ना। 1833 में कोई भी डाटा आप कंप्यूटर के अंदर ले जा सकते हैं, जैसे फोटो, इमेज, कोई भी चीज़। उसके बाद क्या कर रहा है, स्टोरेज स्पेस यानी कि रखने की क्षमता उस कंप्यूटर में डालें, यानी कि उस एनालिटिकल इंजन में डालें, एनालिटिकल इंजन में डालें, उस मशीन को बोलते थे एनालिटिकल इंजन, उसमें डालें, यानी कि इनपुट भी करने की क्षमता रखें और स्टोर करने जगह, जैसे हम इनपुट करेंगे तो रखने की क्षमता होनी चाहिए, उसमें आपको रखने की क्षमता भी की है। उसके बाद कह कह रहा है कि एंड द एरिया फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन, दिस प्रोवाइड एज द बेस ऑफ द मॉडर्न डे कंप्यूटर, हेंस ही कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब इनपुट और स्टोर करने की क्षमता उस कंप्यूटर में डालें तो इनका नाम बहुत रोशन हो गया, ठीक है ना, बहुत नाम रोशन हो गया और इन्होंने कंप्यूटर का फादर कहलाने लगे। तो कोई भी आपसे यही पूछेंगे कि कंप्यूटर का जनक कौन है, तो आप बता देगा चार्ल्स बैबेज। अब कब हुआ किए थे, तो 1833 में। कहने का मतलब है बाद में हम लोग उस मशीन को पहले बोलते थे एनालिटिकल इंजन, बाद में हम लोग कंप्यूटर के नाम से जाने लगे दोस्तों। तो इन्होंने बहुत सारे कंप्यूटर में योगदान दिए हैं, काम किया था अबाकस और मेरिट लेके ये लेके चले गए, क्योंकि इन्होंने भी डाटा स्टोर करने की और इनपुट करने की जगह दी थी कंप्यूटर में। आगे चलते हैं, लेडी अड्डा लवलेस, लेडी अड्डा लवलेस 1887, लेडी अड्डा लवलेस 1887 यानी कि 1887 में। ये क्या की है, सबने कुछ न कुछ कंप्यूटर में अपना अपना योगदान दिया है, कोई एक आदमी मिलकर कंप्यूटर को नहीं बनाया है, ठीक ना। ये क्या है, द इंस्ट्रक्शन गिवन टू एनालिटिकल इंजन, ठीक ना, वेयर इन द ही फॉर्म ऑफ जीरो ऑन वन, ठीक, जीरो वन, जीरो वन क्या होती है, बाइनरी नंबर होती है। इसके बाद आगे मतलब बात करें, उसके बाद क्या कह रहा है कि दिस कंसेप्ट ऑफ बाइनरी अर्थमेटिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लेडी अड्डा लवलेस इन द ईयर 1887 सी इज नोन एज द फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर इन हिस्ट्री। ये क्या कि पहले का जो कंप्यूटर था, जो ये जो 1833 में जो भी एनालिटिकल इंजन जो भी कंप्यूटर बना था, वो कंप्यूटर अपने आप बंद नहीं होते थे। तो ये क्या कि यानी कि 1833 में, इसके बाद देखिए 1887 में पा जाइए, इसके बीच में कंप्यूटर अपने आप से बंद नहीं होते थे। तो कंप्यूटर चलता कैसा था, अब बंद कैसे होता था, तो बहुत बड़ा एक पंखा लगा हो रहा था, तो पंखा से वो कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता था, वो पंखा को चलाना पड़ता था, इस तरह से आपको कोई भी चक्का होता है, जैसे चक्का चलता है उसे पंखा को चला जाता था, और जब भी आपको कंप्यूटर को बंद करना होता है तो वो पंखा को अपने आप रोकना पड़ता था। तो अपने आप किसी चीज़ को आपको, अगर आपको कोई भी आप देख, जैसे जो कार लीजिए उसमें चक्का रहता है, चक्का चलेगा तो कार आगे में भागेगी,
ट्रेन का चक्का चक्का आकर चलेगा, उसी तरह से वो पंखा बस चलता था तो कंप्यूटर वो आगे चलता था। जब जब भी उसको बंद करना होता था चक्का रुकती थी तो अपने आप कंप्यूटर भी रुक जाता था, यानी कि फैन रुकती थी तो वो रुक जाता था। लेकिन इसमें क्या था, अपने आप से इन्होंने क्या किया, जीरो नंबर यानी कि उसके अंदर उस इलेक्ट्रिकल इंजन में, पहले कंप्यूटर नहीं बोला करते थे, 1887 से पीछे में जितना भी कंप्यूटर नहीं बोलते थे, इलेक्ट्रिकल इंजन बोलते थे उसको। तो उन्होंने क्या किया, उसके दिमाग में 01 एक फिट कर दिया। तो 01 यानी कि जब जैसे 0 के मोड में आते थे कंप्यूटर बंद हो जाया करता था, और जैसे 1 के मोड में आते थे कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता था। तो इन्होंने एक तरह से प्रोग्राम फिट कर दिया, प्रोग्रामर एक फिट कर दिया, और इनका नाम बहुत रोशन हुआ, फर्स्ट लेडी बनी, एक महिला थी फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर, ये आपको बन गई। और फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर, जैसे आपको कोई पूछेगा कि फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर तो आप बता दीजिएगा लेडी अड्डा लवलेस 1887 में। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हरमन हॉलरी 1889, ठीक है। देखिए इन 1889, ठीक ना, हेलरोथ, ठीक ना, इन्वेंटेंट ए मशीन विच वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन मशीन वाज यूज फॉर रिकॉर्डिंग डाटा एंड अदर वन वाज यूज फॉर डूइंग कैलकुलेशन ऑफ द रिकॉर्डेड डाटा इज मशीन वाज कैपेबल ऑफ रीडिंग बोथ नंबर एंड लेटर। कहने का मतलब है दोस्तों कि इन्होंने क्या किया, पहले का जितना भी अपने मैंने बताया कि वो पंखा को चलाने पड़ता था तब वो कंप्यूटर चलती थी, पंखा को बंद करना पड़ता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक स्विच लगा दिया, अपना मन से भी कंप्यूटर बंद चालू होने लगा, लेकिन लेकिन लाइन से नहीं चलता था वो, ठीक ना। उन्होंने क्या किया 1889 यानी कि हरमन हॉलरिथ का किया 1889 में उस कंप्यूटर को उसमें एक तरह से क्या किए, एक इलेक्ट्रिसिटी जोड़ दी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली जोड़ दी है, बिजली से अब चलने लगा आपका कंप्यूटर 1889 में, ठीक ना। उसमें और क्या क्या चीज़ किए, उसमें रिकॉर्डिंग की सुविधा कर दिए, ठीक ना, कैलकुलेशन सुविधा है था, रिकॉर्डेड होने लगा, रीडिंग होने लगा, इतना सारे आपको उस सुविधा उन्होंने उस कंप्यूटर में आपको डाल दिया। तो यहाँ के बाद कंप्यूटर पूर्ण रूप से आपको बन चुका था। तो इतने सारे मिलकर इस कंप्यूटर के में योगदान दिए हैं, कोई एक आदमी नहीं दिए हैं। आपको मैं फिर बैक लेकर चलता हूँ, अबाकस जो बनाए थे गुना भाग जोड़ घटाव करने के लिए बनाए, उसमें इन और ये चार्ल्स बैबेज क्या किए, इनपुट करने के साधन कर दिए, स्पेस करने के साधन दे दिए, ठीक ना। इन्होंने क्या किया, एक तरह स्विच लगा दिए जो कि कंप्यूटर अपने आप से बंद और चालू होने लगा, और इन्होंने लाइन से ही जोड़ दिया वो कंप्यूटर को। तो इतना मिलकर सारे को कंप्यूटर को योगदान दिए दोस्तों। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तब इसको लाइक कर दीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, और लाइक के साथ साथ बेल का आइकन भी नहीं एकदम दबा दीजिए कि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।